कि हाउ डू वी डिसाइड वेदर वी शुड बाय और वी शुड सेल, इफ वी हैव टू डिसाइड वेदर टू बाय और टू सेल, तो उसके लिए मैं क्या बोल सकता हूं, बाय तब करना चाहिए इफ यू आर डैश बुलिश, सेल कब करना चाहिए इफ यू आर बेरिश, यू शुड बाय इफ यू आर बुलिश, यू शुड सेल इफ यू आर बेरिश. यू आर बुलिश मीन्स यू फील द प्राइस विल व्हाट राइज. व्हाई डू यू फील द प्राइस विल राइज, व्हाई डू यू फील द प्राइस विल राइज, उसका तीन रीजन मेन हो सकता है. वन इज यू हैव कैरिड आउट फंडामेंटल एनालिसिस. व्हाट एनालिसिस? फंडामेंटल एनालिसिस. नंबर टू, यू हैव कैरिड आउट टेक्निकल एनालिसिस. व्हाट एनालिसिस? टेक्निकल एनालिसिस. नंबर थ्री, यू हैव कैरिड आउट क्वांटिटेटिव एनालिसिस. व्हिच एनालिसिस? क्वांटिटेटिव एनालिसिस. नंबर फोर, यू आर डूइंग हेड एंड टेल, मतलब यू आर इलॉजिकली आपको लग रहा है, हाँ मेरे को लग रहा है बस पता नहीं, विदाउट एनी स्टडी किसी से सुन के इलॉजिकल, जो कि गलत चीज़ है. लॉजिक के साथ ट्रेड करो, कभी कभी लॉस होगा तब भी कोई इशू नहीं है, पर ऑन एन एवरेज कमाओगे. पर इलॉजिक के साथ ट्रेड करेंगे विदाउट एनी डिसिप्लिन तो जनरली अपने लूज करेंगे. ठीक है, तो एक होता है फंडामेंटल, एक होता है टेक्निकल, और एक क्या होता है क्वांटिटेटिव. इसमें सपोज क्या हुआ, एक स्टॉक में चार चीज होता है, ओ एच एल सी, ओपन हाई लो एंड क्लोजिंग. क्या क्या? ओपन हाई लो एंड क्लोजिंग. ठीक है, लेट अस बोलना, मैं हिंदी में बोल रहा हूं. स्टॉक आज सबसे नीचे कितने पे गया? लो. स्टॉक आज खुला कितने पे था? ओपन. स्टॉक आज क्लोज कितने पे हुआ? क्लोज. और स्टॉक आज हाईएस्ट कहां गया? एच, ओ एच एल सी, बिकॉज स्टॉक तो पूरे दिन में एक्टिविटी ना, पीपल नीड टू नो द एक्टिविटी दैट द स्टॉक हैज डन. ओ एच एल सी रोज निकलता है. ठीक है, तो ओ एच एल सी के बेसिस पे एक चार्ट बनता है. ओके, जो वो दिखा रहा है, दिखा दे एक बार कैंडल स्टिक. नहीं, एक्सेल वाला. तो ही इज गोइंग टू एक्सेल. रुक जाए एक बार, तो एक्सेल शीट खोला है और थोड़ा जूम कर देना और हाँ बस ठीक है. अब एक्सेल शीट में ओ एच एल सी और डेटा देना पड़ेगा. हाँ, डेट ओ हाई लो क्लोज. ठीक है ना, दैट टू एनी बडी कैन डू, इवन एट होम आज आप ट्राई कर सकते हो. डेट आज का दे रहे हैं, ठीक है. ओपन सपोज ये स्टॉक हुआ था आज 111.5 पे, हाई सपोज गया 114, लो से 109, क्लोज 100 एंड, एक मिनट लिखना मत, क्लोज में बोल रहा हूँ, बताना जो फिगर बोल रहा हूँ वो पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है. बाकी तीनों फिगर्स को देख लो, 111.5 ओपन, हाई आज का 114, लो 109. अब मैं क्लोज का प्राइस बोल रहा हूँ, इट इज़ पॉसिबल और नॉट पॉसिबल. 112, 113, 108, नॉट पॉसिबल. लो के नीचे कैसे जाएगा, वरना तो वो लो हो जाएगा. 109 पॉसिबल, कोइंसिडेंटली द क्लोजिंग कैन बी द लोएस्ट, क्लोजिंग कैन बी द लोएस्ट. ठीक है ना, सपोज वी मेक 112. ठीक है, तो ये हुआ है. एक मिनट, तो इसका मतलब वैसे ये क्लोज जो है किसके पास हुआ है? ओपन के पास, है ना. ठीक है, चलो अब इसका एक ग्राफ बना रहे हैं. एक सेकेंड कोई कुछ पूछ रहा है? यस, नहीं कैसे जा सकता है, अगर क्लोज हाईएस्ट के ऊपर होगा तो दैट इज द हाईएस्ट, पूरे दिन का एक्टिविटी है ना. ओके, सो ही इज गोइंग टू इंसर्ट. ग्राफ देखिए कैसे जा रहा है, इंसर्ट में गया, इंसर्ट में जाके अदर चार्ट्स में, स्लो जा. ओके, अगर ऑफिस से कर कैंसिल, ही वेंट टू इंसर्ट, ऊपर में इंसर्ट का ड्रॉप बॉक्स था, इंसर्ट में जाके बहुत सारे चार्ट्स का था ना, कॉलम लाइन पाई बार एरिया स्कैटर, इसको ये सब चार्ट नहीं चाहिए था, तो ही वेंट टू अदर चार्ट्स के ड्रॉप डाउन में गया और वहां पे ही इज गोइंग टू स्टॉक. स्टॉक के अंदर एक पर्टिकुलर चार्ट है जिसका नाम होता है ओ एच एल सी, दिख रहा है ये नीचे लिखा हुआ है, ओपन हाई लो क्लोज. जाओ
ओके ये ग्राफ बनाए, पर ये ग्राफ एक्साइटिंग लग रहा नहीं है, थोड़ा कलर कर दे भाई, फॉर्मेट कर रहे हैं, फॉर्मेट सॉलिड फिल और स्टॉक क्या ऊपर बंद हुआ था क्या ये? ठीक है हाँ ये बना। इफ द क्लोजिंग इज अबव द ओपनिंग, इफ द क्लोजिंग इज अबव द ओपनिंग इट्स अ ग्रीन बार एंड इफ द क्लोजिंग इज बिलो द ओपनिंग इट इज अ रेड बार। ठीक है अपना आई थिंक क्लोजिंग था 112 और ओपन क्या था 111 पॉइंट समथिंग, तो क्लोजिंग वॉज अबव द ओपनिंग देयरफॉर इट्स अ ग्रीन बार। ओके यू कैन गेस कि क्या क्या पॉइंट्स है, तुम वहां पे कर्सर को ले जाते रहना। ओपन वाला दिखा कर्सर, ओपन कहाँ है ये रहा, जहां भी बन के आया है वो ट्राइंगल माने वो सॉरी क्या प्लस साइन, वो बॉडी है, बॉडी जो है ना बॉडी, बॉडी इज ओपन एंड क्लोज, तो ओपन इज दैट वो जो रेक्टेंगल बना है उसका लोअर साइड और क्लोज कौन सा है हायर साइड 112, हाई कौन सा है 114 ये रहा, लो कौन सा है 109। अब ठीक से सुनना, अगर अपने जो क्लोज है 112 उसको 113.95 कर दें तो और कुछ चेंज नहीं करें तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, द ओपन विल रिमेन द सेम, वो जो बॉडी था रेक्टेंगल का ये सेम रहेगा पर ये वाला पार्ट एकदम ऊपर तक चला जाएगा। करेक्ट, यू आर एबल टू इमेजिन करेक्ट बार ऐसा, हाँ ये चेंज कर 113.5 चेंज हो गया। ठीक है तो अब इसको रेड में तब्दील कर देते हैं, जो ओपन था उसको 114 कर दे रेड कर रेड, हाँ ये रेड क्यों हुए, ये आज अपने हाईएस्ट प्राइस पे खुला था, ये स्टॉक आज अपने हाईएस्ट प्राइस पे खुला था, कैसे पता चला ओपन एंड हाई आर व्हाट सेम, उसके बाद ये स्टॉक पता नहीं क्या नेगेटिव न्यूज आया है आज दिन में, क्या न्यूज आया 9:30-10 बजे ये स्टॉक बहुत जोर से नीचे गया, कहां तक गया 109। ठीक है एंड उसके बाद जाके फिर से रिकवर किया, फिर से रिकवर किया और रिकवर करके 113.5 बंद हुए। इससे आपको सेंटिमेंट वाइज क्या लगता है, ये स्टॉक के बारे में बेरिश या लगता है स्टॉक के बारे में बुलिश? अगर आप ठीक से सोचोगे तो स्टॉक हाई पे ओपन हुआ था, जोर से नीचे गया विच वॉज बैड, बट पूरा का पूरा रिकवर करके ऊपर बंद हुआ है। तो इफ यू लुक एट द सेंटिमेंट ऑफ द मार्केट, द सेंटिमेंट ऑफ द मार्केट सीम्स टू बी व्हाट बुलिश बाजार का, बिकॉज पूरा का पूरा जो वीकनेस था उसको रिकवर करके ऊपर बंद हुआ है। कैंडल स्टिक चार्ट इसको बोलते हैं, कौन सा चार्ट, कैंडल स्टिक। ठीक है इट इज कॉल्ड अ कैंडल स्टिक चार्ट, देयर इज अ बॉडी ऑफ द कैंडल विच इज ओपन एंड हाई एंड देयर इज अ विक ऑन द अप, देयर इज अ विक ऑन द डाउन, विक ऑन द अप विक ऑन द डाउन, पीपल कॉल इट अपर शैडो लोअर शैडो। ठीक है तो एंड द बॉडी इज ओपन एंड हाई। ठीक है तो इफ द क्लोज इज ग्रेटर देन द ओपन इट्स अ ग्रीन, इफ द क्लोज इज लेस देन द ओपन इट्स व्हाट रेड। द कैंडल स्टिक चार्ट इज सो इंपॉर्टेंट, मतलब बिकॉज you tend to understand the sentiment of the market as a result of the candlestick. ठीक है sentiment of the market as a result of the candlestick, which means एक बार close को 114 कर दे, close को भी body गया, because the opening and closing is what same, अगर opening and closing is same that's called a doji, what is it called doji, opening and closing are same hai, it's a bodyless candle it's called a doji and in this case it indicates great strength in the stock, कि स्टॉक पूरा का पूरा जो अपना नेगेटिविटी है उसको मेकअप करके ऊपर बंद हुआ। दिस कुड बी वन रीजन व्हाई यू मे थिंक अबाउट बाइंग द स्टॉक एट 3:30 PM, जब बाजार बंद हो रहा है 3:30 पे और ऐसा ग्राफ बन रहा है, तो इन दैट केस आई मे फील अबाउट डूइंग समथिंग कॉल्ड BTST। क्या BTST इज बाय टुडे सेल टुमारो, बाय टुडे सेल टुमारो, अपने 3:30 बजे बाई कर रहे हैं कल सुबह बेचने के लिए। ठीक है कल सुबह बेचने के लिए अपने बाय टुडे सेल टुमारो कर रहे हैं, अपना पर्पस है सर मेरे को इस स्टॉक का आगे होल्ड नहीं करना है, मैं जो कर रहा हूँ ना यू आर बेटिंग ओनली फॉर टुमारो मॉर्निंग बिकॉज यू बिलीव दैट समथिंग ग्रेट हैज हैपेंड इन द स्टॉक टुडे टुवर्ड्स द एंड, इट हैज
क्लोज्ड एट इट्स हाईएस्ट. सो यू आर वांटिंग टू एंजॉय दैट इनर्शिया जो होता है ना, ये कल सुबह भी शायद ऊपर खुल जाएगा और फायदा हो जाएगा, और अगर ऊपर नहीं खुला तो लॉस में सेल कर देंगे, लॉस में सेल कर देंगे. वेयर डू पीपल लूज मनी? व्हेन व्हाइल एंटरिंग द ट्रेड, व्हाइल एंटरिंग द ट्रेड दे आर नॉट डिसाइडेड एज टू व्हेन आर दे गोइंग टू एग्जिट. Anybody who is entering the trade is thinking what? ऐसा होगा तो फायदा हो जाएगा. He is not asking himself, अगर ऐसा नहीं हुआ और घाटा हुआ तो क्या करना है. Anybody while entering the trade is thinking about that, कि उस समय क्या करना है, हाँ लॉस पे कैंसिल कर देना है, सेल कर देना है. He will not make big losses in the market. He will always be there standing. तो वो डिसिप्लिन वाला जो पार्ट है ना, that's very important. ठीक है ना, कि you should know why you are entering. If that works well, good. If that does not work well, you can square it off at a loss. And then try once again based on your logic. Manufacture new tools based on your studies, which the CFA program does it with us. ठीक है, तो इसको अपने charts बोलते हैं. ये तो केवल एक बना रहा था ना, अब ये Excel sheet खोल के charts बनाना एक stock market participant का काम नहीं है. Excel sheet में feed करके अगर chart ही बनाते रह जाएंगे तो trading कौन करेगा? तो ये charts जो है ये तो बच्चा वाला चीज़ है. दे आर प्री मेड, मैंने अपने आप बना हुआ रहता है. लेट्स गो टू जीरो द स्क्रीन वंस अगेन. गया मेक मनी में, गया ये तो मार्केट डेप्थ था. एक मिनट तेजी मत कर. मेक मनी में गया, मार्केट डेप्थ था. अब इसको चार्ट में जाना है तो लास्ट वाले में जा रहा है. धीरे धीरे दिख रहा नहीं लोगों को. लास्ट वाले में जो गया मेक मनी में, उस पर दो आया है. एक आया है पॉप आउट चार्ट और एक आया है स्टॉक विजेट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विजेट? तो विजिट यहां पे जो स्टॉक विजिट है विल गिव यू इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टॉक. ओके, कि मेक मनी क्या करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक स्टॉक विजिट में जा. मेक मनी ऑर्गेनिक लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ पिगमेंट एंड पेस्टिसाइड प्रोडक्ट्स. द कंपनीज सेगमेंट्स इंक्लूड पिगमेंट, एग्रोकेमिकल्स, बेसिक केमिकल्स एंड अदर्स. ठीक है, तो मेक मनी क्या रहे बता रहे, इनके साथ कुछ भी नहीं पता ना, तो पता चला ओके यार ये केमिकल कंपनी है. क्या पता चला? केमिकल कंपनी. ऑफ कोर्स हाई साउंडिंग वर्ड्स है, ईच ऑफ द वर्ड्स हैज अ डिफरेंट मीनिंग. पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में क्या होता है वगैरह. तभी तो मास्टरी ओवर द स्टॉक मार्केट इज अ वेरी वेरी इलैबोरेट नॉलेज का अफेयर. बिकॉज देर आर सो मेनी इंडस्ट्रीज, सो मेनी कंपनीज, नोइंग अबाउट देम, ओके हाउ दे आर परफॉर्मिंग, हाउ नॉट, इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ कंप्लीटिंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. It's a very, very challenging task. However, mastering over stock charts, jo hum log dikhana cha rahe the, is relatively easier. Because whether we make the chart of make money or take money or reliance, the chart is the same. Chart pe to wahi hoga, open, high, low, close. Gold ka chart banayenge to bhi wahi, commodity ka chart to bhi wahi. To jo log chart ka analysis karte hai technical, un log ko mehnat kam thi karna padta hai. उसको बोलते हैं टेक्निकल. टेक्निकल एनालिसिस स्टडी ऑफ चार्ट्स. चार्ट पे जाते हैं, पॉप आउट चार्ट में. दो खुला था ना, स्टॉक विजेट और पॉप आउट चार्ट. ही इज गोइंग टू द पॉप आउट चार्ट. ये वो है कैंडलस्टिक, जो अपना एक ठो बन रहा था ना कैंडलस्टिक. तो ये इतना सारा कैंडलस्टिक बना हुआ है. ठीक है, ये इतना सारा कैंडलस्टिक बना हुआ आपको दिख रहा है. किसी एक कैंडलस्टिक में जूम कर, बस स्टॉप कर दे. आपको एक तो नीचे दिख रहा होगा, नीचे, वो जो नीचे उसको इग्नोर करो, वो जो नीचे बाद में बताऊंगा. ऊपर जो है कैंडल स्टिक है, तो कैंडल स्टिक में फॉर इंस्टेंस आपको डोजी दिखा, लास्ट वाला रेड है, उसके पहले वाला एकदम लास्ट वाला रेड है, उसके पहले वाला ग्रीन है, उसके पहले वाला डोजी है. बिकॉज बॉडी है कि नहीं है? नहीं है ना. ओपन एंड क्लोज इज वॉट सेम. वो अलग बात है, मेरा डोजी जो बना था एक्सेल में वो ऊपर बना था ना. ठीक है, ये जो डोजी बना ये कहाँ बना? बीच में. इसका मतलब मार्केट 110 पे खुला, उसके बाद ऊपर गया 114, उसके बाद नीचे गया 106, उसके बाद वापस 110 पे क्या हुआ? बंद. 110 पे खुला, 114 गया, उसके बाद 106 गया, उसके बाद वापस 110 पे क्या? बंद. इससे यू आर बुलिश और बेरिश? न्यूट्रल. कंफ्यूजिंग. ये तो कंफ्यूजिंग है बिकॉज अल्टीमेटली न्यूट्रल ना, नीदर बुलिश नॉर बेरिश. ठीक है, कहीं पे और पीछे आ, एक मिनट रुको, हटा दे एक बार. हाँ, वॉल्यूम से कंफ्यूजन हो रहा है. और लेफ्ट में आ,
जैसा अपना बना था वैसा, मैंने ऊपर की तरफ डोजी बना है कहीं, ये वाला क्या? हाँ छोटा सा है, बहुत छोटा सा है, नहीं माना जाएगा ये नीचे नीचे का दिखा, ये नीचे का, नीचे का दिखा, ये वाला, ये जो बना है ये लाइट बंद करना है दोनों साइड का, जिससे कि स्क्रीन दिखे। हाँ ये आप लोगों को दिख रहा है जो ये जहाँ पे कर्सर है, ये बना नीचे का डोजी, ठीक है? नीचे का डोजी में एग्जैक्टली पूरे दिन भर में क्या हुआ है कोई बताएगा? पहले मार्केट ओपन कहाँ हुआ? नीचे मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, उसके बाद ऊपर गया पूरे, उसके बाद पूरा का पूरा स्ट्रेंथ खो दिया और वापस से नीचे में क्या हुआ है? बंद। इतना छोटा सा ग्रीन से कोई मतलब ही नहीं है। वो जो ग्रीन का स्ट्रिप दिख रहा है ना, दैट्स लाइक नॉन प्रेजेंट एट ऑल। मैंने यू कांट से सर ये डोजी नहीं है, देखिए ना इसमें तो बॉडी बना है। वन हैज टू बी प्रैक्टिकल, क्योंकि बाजार कोई मैथ्स से थोड़ी रन कर रहे हैं। 114, 113.95 इज द सेम थिंग, मोरलेस ये डोजी है। ये दिखाता है स्टॉक में वीकनेस है। क्या है वीकनेस? बिकॉज पूरा का पूरा जो बढ़ा था दिन भर वो पूरा लूज करके नीचे बंद हुआ है। कहाँ बंद हुआ है? नीचे, ठीक है। तो ये जो दिखा रहे थे चार्ट वगैरह, ये चार्ट्स अपने QM में लास्ट टॉपिक है। किसमें? QM में, क्वांटिटेटिव मेथड्स इन CFA लेवल 1, उसका लास्ट टॉपिक है अबाउट चार्ट्स, ठीक है। हाउ कैन यू यूज चार्ट्स फॉर द पर्पस ऑफ डिसाइडिंग वेदर यू शुड बाय और यू शुड सेल। बट इफ यू डू चार्ट्स, चार्ट्स ऑल्सो हैव अ रूल रिगार्डिंग इफ यू गो रॉन्ग वेन टू स्क्वायर ऑफ। आई रिपीट, चार्ट्स विल टेल यू वेन टू बाय, वेन टू सेल। बट इफ यू यूज चार्ट्स, चार्ट्स विल ऑल्सो टेल यू इफ द चार्ट डजेंट वर्क आउट, रॉन्ग हो गया तो इन दैट केस एट विच पॉइंट यू हैव टू एग्जिट। एंड इफ यू रिमेंबर दैट लास्ट पॉइंट कि एग्जिट कब करना है, अगर लॉस हो गया तो देन यू विल मेक अ प्रॉफिट सस्टेनेबली। बट इफ यू फॉरगेट दैट, इन दैट केस यू कैनॉट सर्वाइव, ओके, यू विल लूज अ लॉट ऑफ मनी इन द मार्केट्स, ठीक है। बट दैट डिसिप्लिन वाला पार्ट दैट इज रिक्वायर्ड, ठीक है।